हेलो गाइस, मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार और मजेदार टॉपिक है। कुछ इतिहास प्रसिद्ध घोड़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो आरपीएससी और रमसा बोर्ड का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और पसंदीदा टॉपिक है। इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और महात्मा बुद्ध से ही शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, ये रेलवे में एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है। और इनके घोड़े का नाम था कंथक। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, जो रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। और लक्ष्मीबाई वही जिनकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, मणिकर्णिका या मनुबाई, उनके घोड़े का नाम पवन, बादल। सारंगी, पहले लक्ष्मीबाई बादल घोड़े का यूज किया करते थे, लेकिन जिस समय अंग्रेजों से घिर गए थे और जैसे ही अपने वो महल से कूदे, छलांग लगाई, तो बादल घोड़ा वहां पर खत्म हो गया था, इंजरी आ गई, तो उन्होंने पवन घोड़े का यूज करना शुरू कर दिया था। ये इनके तीन प्रसिद्ध घोड़े थे। महाराणा सांगा की बात करते हैं, और सांगा वही जिनकी वीर गाथाएं हम सुनते हैं, शरीर पर 86 घाव थे लेकिन वैसे युद्ध लड़ते रहे। इनके घोड़े का नाम था जंगहथ। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कौन नहीं जानता, चेतक, जिनसे आरपी अपने रीट में 2016 में पूछा गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक रीट 2016 में पूछा गया था। और एक बार नहीं अनेकों बार पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया और रीट में पूछ लिया। रीट वालों का तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट है। अकबर के घोड़े का नाम रहबर था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए, नाट्यरंभा था। पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर के चौहान शासक थे, संयोगिता वाले वही जिनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। बूंदी के उमेर सिंह, बूंदी के शासक महाराणा उमेर सिंह थे, उनके घोड़े का नाम हुंजा था। हुंजा पर सुपरवाइजर 2016 में यह प्रश्न आया था कि बूंदी के शासक उमेर सिंह के घोड़े का क्या नाम था, तो वो हुंजा था। और मेवाड़ के करण सिंह के घोड़े का नाम शुभ्रत था। तो दोस्तों देखते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका किस्सा हम जैसे ही मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम अपने आप निकल के आ जाता है। उनके घोड़े का नाम अर्बुद था। वीर दुर्गादास राठौड़ के घोड़े का नाम अर्बुद था। और रामदेव जी के घोड़े पर तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और यह था लीला घोड़ा। लीला घोड़े रासवार, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था, और इस पर एक बार नहीं राजस्थान की परीक्षाओं में, रमसा बोर्ड में या फिर आरपीएससी में बहुत बार अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। बात करें सिकंदर की, तो इनके घोड़े का नाम ब्यूसिफेलस था। इनके घोड़े का नाम ब्यूसिफेलस था, और कुछ बुक में मुख्य फैलिया भी मिलता है। बात करें पाबू जी के घोड़े की या घोड़ी की, तो वो केसर काल में घोड़ी थी। इस पर भी बहुत बार राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया है, केसर काल में घोड़ी थी। शिवाजी के घोड़े की बात करें, मराठा सरदार वही नाटाकद, शिवाजी का नाम लेते दिमाग में आ जा नाटाकद, वही छापामार युद्ध प्रणाली, वही मराठा सरदार। मराठा सरदार शिवाजी के घोड़े की बात करें, तो इनके कई घोड़े थे। इनका मानना था कि घोड़ों को बार बार में चेंज करता रहना चाहिए, ताकि ये घोड़े पर निर्भर ना रह सके। तो इनके घोड़ों के नाम बात करें, तो मोती भी था, गजराज भी था, इंद्रियाणी भी था, कृष्णा भी था। तो इनका जो मेन फेवरेट घोड़ा था वो कृष्णा था। शिवाजी का जो मेन घोड़ा था उसका नाम कृष्णा था। बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब वाले थे, इनके घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम था सीरी। और जिसे ये प्यार से लेला बोला करते थे।
जो भी हमने आज पढ़ा एक बार उन्हें फिर देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये चीज सेटल हो जाए। महात्मा गौतम बुद्ध, कंथक जो रेलवे का फेवरेट पर्सन, लक्ष्मीबाई, पवन, बादल और सारंगी, ये तीन घोड़े थे। स्टार्टिंग में ये बादल घोड़े पे थे, उसके बाद जब ये महल से छलांग लगाई, इस घोड़े की इंजरी हो गई तो इन्होंने पवन घोड़े को यूज करना शुरू कर दिया था। महाराणा सांगा की बात करें तो जगहंत था, वही महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका घोड़ा चेतक था, जो रमसा बोर्ड और आरपीएससी अपने राजस्थान एग्जाम में महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पर्सन। अकबर के घोड़े का नाम रहबर था, वही पृथ्वीराज चौहान नाटेरम्बा था इनके घोड़े का नाम, और बूंदी के शासक उमेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। मेवाड़ के करण सिंह के घोड़े का नाम शुभ्रत था, वीर दुर्गादास राठौड़ के घोड़े का नाम अर्बुद था, और रामदेव जी लीला घोड़े रासवार, इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वही सिकंदर की बात करें तो ब्यूसीफेलस या बुकेफेलिया था। बाबूजी की घोड़ी केसर काल में थी, शिवाजी मराठा सरदार शिवाजी की बात करें तो उनके घोड़े का जो फेमस घोड़ा या प्रसिद्ध उनका प्रिय घोड़ा था उनका नाम कृष्णा था, और महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो उनके घोड़े का नाम श्री था, और जिन्हें वो प्यार से लेला बोला करते थे, लेला मजनू नहीं सिर्फ लेला बोला करते थे। धन्यवाद।